नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ अलीशा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हमने क्या क्या आईकिया से परचेज किया है। सो रिसेंटली ही हम आईकिया गए थे एंड वी हैड टू बाई फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर, बट वी एंडेड अप बाइंग मोर थिंग्स। एंड मैंने एक छोटा सा पोल भी किया था इंस्टाग्राम पे, दो आई हैव वेरी लेस फॉलोअर्स बट स्टिल आई डिड अ पोल ऑन इंस्टाग्राम एंड पीपल वोटेड यस टू सी दिस हॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आजकल जो हमारा करंट ऑब्सेशन है वो है प्लांट का। वी आर रियली इनटू प्लांट्स नाउअडेज। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्लांट विच आई एम शोइंग यू। दिस इज़ कॉल्ड पीस लिली और इसे मैं देखते ही मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा, तो मैंने सोचा इसे तो लेना बनता है। आई थिंक इट्स अ लो मेंटेनेंस प्लांट एंड यू कैन कीप इट इनडोर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनडोर प्लांट फॉर क्लीनिंग एयर conducted by NASA and it is as beautiful as an ornament। तो ये पहले से इस तरह के पॉट में था, हमने ये पॉट भी खरीदा है और इसी तरह के काफ़ी सारे पॉट्स हैं मेरे घर पर और इसे मैंने DIY करके इसमें होल किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसमें कैसे होल किया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट। एंड मेरे पास अभी काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए हैं घर पे। एंड इफ़ यू वांट टू सी माय इंडोर प्लांट कलेक्शन देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आफ्टर दैट वी गॉट दिस फेडल लीफ प्लांट एंड दिस इज़ वेरी ट्रेंडी राइट नाउ। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता था। इफ़ यू विल कीप इट इन योर बेडरूम और इन लिविंग रूम दिस विल इन्हेंस द लुक ऑफ द रूम। दिस प्लांटर लुक्स लाइक अ सिरामिक प्लांटर बट इट इज़ मेड फ्रॉम प्लास्टिक। An indoor fiddle leaf fig plant can grow up to 3 meter and outside up to 15 meters. So it's a quite big plant. For this plant we got this planter. इन सब के प्राइस एंड लिंक्स अगर अवेलेबल होंगे तो मैं आपको सारे लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो थर्ड एंड लास्ट प्लांट मैंने लिया है वो है ये बोनसाई प्लांट, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट बोनसाई, इसका नाम कुछ और है। मैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। माय हस्बैंड रियली वांटेड टू बाय दिस प्लांट एंड तो हमें ये आईकिया में मिल गया और काफ़ी कम प्राइस में मिला है। इट आल्सो नोन हैज इंडियन लॉरेल फिग। तो और साथ में ही हमने ये प्लांटर लिया। ये प्लांटर मेरा फेवरेट है इसीलिए मैं हमेशा यही लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो इंटीरियर है वो काफ़ी वाइट है, काफ़ी ब्राइट है, तो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में मैंने ब्लैक कलर का प्लांटर लिया है। एंड वन मोर स्मॉल प्लांटर वी गॉट फॉर बोनसाई और फॉर एनी अदर प्लांट भी। तो आईकिया जो है प्लांट के लिए मैं कहूँगी कि बेस्ट है इंडोर प्लांट्स के लिए, बिकॉज आई बॉट फ्यू प्लांट्स फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम अ जनरल स्टोर एंड दोज वेर सो कॉस्टली। तो आईकिया में प्लांट्स काफ़ी सस्ते हैं कंपेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट इन आईकिया। तो अगर आपको प्लांट्स लेने हैं तो एक बार आईकिया जरूर जाइए। तो प्लांट्स तो हमने बस ये तीन ही लिया था। देन द नेक्स्ट आइटम विच आई हैव इज दिस बेड सीट एंड मुझे बेड सीट का काफ़ी शौक है। ये कॉटन है एंड इट्स वेरी सोबर एंड आई रियली वॉन्टेड टू बाई समथिंग सोबर फॉर माई हाउस फॉर माई बेडरूम, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव वेरी कलरफुल बेड सीट्स, तो मुझे चाहिए था कुछ सोबर सा। तो और ये हम दोनों को बहुत पसंद आया। इसका जो प्रिंट है वो काफ़ी मुझे इंडियन टच लगा इसमें और इसमें इलास्टिक है तो ये आपके बेड पे बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है। बिछाने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट इसके साथ पिलो कवर्स नहीं थे सो वी बॉट इट सेपरेटली। नेक्स्ट आइटम हमने लिया है ये स्टडी टेबल फॉर कुहू एंड इट वॉज नेसेसरी फॉर हर टू स्टडी वेल एंड इन गुड पोस्चर। आई डिडंट वांट टू स्पेंड मच ऑन फर्नीचर सो वी वांटेड समथिंग इन बजट एंड वी फाउंड इट जस्ट फॉर 35 MYR विच इज़ 616 रुपीज़। लेग्स को बस इस तरह से रोल करके अटैच कर देना है एंड इट्स रेडी। चेयर हमारे पास ऑलरेडी था जिसपे कुहू ने स्टिकर्स लगा रखे हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया है वो है ये जरवेरा फ्लावर. दिस इज अ फेक फ्लावर. इसे बस एक सिंपल से ग्लास में या बॉटल में डाल कर रखने से ही ये काफ़ी क्लासिक लगता है. नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस स्टोरेज बॉक्स. दिस इज फोल्डेबल एंड इज रियली बिग इन साइज. तो अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो और आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम है तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए. जैसे कि हमारा प्रॉब्लम है, इंडिया में हम काफ़ी स्टोरेज बनाते हैं अपने घरों में, बट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा स्टोरेज. तो इसलिए मैंने ये लिया है और ऐसे काफ़ी सारे बॉक्सेस मेरे पास हैं ऑलरेडी. So we need to fold it like this and there's a zip given at the bottom. So close it and it's ready to keep the stuff. The best thing about this box is ये foldable है. तो अगर आप travel करोगे in future और move करोगे अपने state से तो you can travel with this. नेक्स्ट आइटम भी जो लिया है मैंने वो भी है एक फोल्डेबल स्टोरेज. यहाँ पे जितने भी वार्डरोब्स हैं उसमें रैक्स नहीं होते हैं, वो बिल्कुल खाली सा होता है. बस कुछ ही वार्डरोब्स में ही रैक्स होते हैं, बाकी सारे खाली होते हैं. बट मुझे रैक्स में करके क्लॉथ्स को ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये. इसके बाद आई विल शो यू द लास्ट टू आइटम्स विच आर द किचन आइटम्स. ये कुछ नैपकिन्स लिए हैं मैंने किचन के लिए, तो एंड द प्रिंट्स आर रियली क्यूट. मुझे ये बहुत क्यूट लगा. इसमें 4 पीसेस है और 4 डिफरेंट प्रिंट्स है. एंड वन मोर आइटम इज़ दिस ग्रेटर. तो अब ग्रेटर के बारे में क्या दिखाऊँ, द यूज़फुल आइटम. तो ये किचन में होना चाहिए, तो जो कि मेरे पास अब तक नहीं था. दैट्स इट गाइस, आई जस्ट बॉट फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर एंड दिस डार्क चॉकलेट एंड कुकीज़. ये थी मेरी आइका की मिनी शॉपिंग हॉल वीडियो. आपको इसमें से क्या अच्छा लगा और इसमें से आप अगर कुछ खरीदना चाहते हो तो उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.